सभी के टाइम में गाइस देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स है अभी गेम में, बट गाइस देखो इन सब कैरेक्टर में से मैं आप लोगों गाइस आज की इस वीडियो में टॉप 3 ऐसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि आए हाय मतलब सीएस टैंक में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। भाई देखो बहुत सारे भाई अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके मैंने 3 ऐसा स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन निकाले ना जो कि गाइस एकदम भाई आपका गेम प्ले को एकदम नेक्स्ट लेवल कर देंगे। और हाँ भाई लास्ट का जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, सब कुछ गाइस आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिल जाएगा सब कुछ, मतलब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्या क्या लेना है ये गाइस बहुत जन का कंफ्यूजन होता है। भाई आप लोग सोचते हो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लूँ या वो वाला लूँ, क्या लूँ भाई, लिटरली कंफ्यूज रहते हो। और देखो सही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लोगे तो आपका जो गेम प्ले वो भी गाइस गेम प्ले में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, तो जल्दी से जल्दी आपका रैंक पुश जो है वो हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है, फटाफट एक लाइक जरूर से वीडियो को कर देना और चैनल पे न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो चलो जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो हमारा जो फर्स्ट नंबर कॉम्बिनेशन होने वाला है उसमें गाइस एक्टिव स्किल में आप लोगों को केसी लेना है। अब ये कैरेक्टर अभी नया नया ही आया है और इसका यूज तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा, जब भी गाइस आप लोग इस कैरेक्टर का यूज करोगे ना आप लोग अपने एक टीममेट के ऊपर यूज कर सकते हो और आपका गाइस उसका एक धागा आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक रेड टाइप का आ जाएगा। और गाइस देखो उसमें से आप लोगों को 3 HP/s मिलेगा, आपको भी मिलेगा आपके टीममेट को भी मिलेगा। और हाँ गाइस देखो ये जो मतलब रे है ना ये गाइस 20 meters तक ही चलेगा, ज्यादा दूर पे नहीं जाएगा, तो सामने सामने आप लोग रहना। तो ये गाइस एक्टिव स्किल है, काफी ज्यादा हेल्प करता है, बट इसका जो एक्टिव स्किल है ना वो बहुत ज्यादा और भी इंक्रीज हो जाएगा अगर आप लोग इसके साथ लोगे कैपिला। गाइस देखो कैपिले का यूज से आप लोग गाइस अपने टीममेट के ऊपर फायर कर सकते हो कोई भी एक गन से, और गाइस देखो आपके टीममेट को हेल्थ मिलेगा, इसका हेल्थ बढ़ेगा, तो ये लिटरली काफी ज्यादा अच्छा चीज है। कैपिला को अपडेट के बाद क्या ही ढांसू बना दिया गया है। तो गाइस देखो आप लोग जरूर से कैपिला का यूज कर सकते हो, और अगर आप लोग मतलब हीलिंग गन से उसके ऊपर फायर करोगे ना तो उसका जो हेल्थ है वो और भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल कैरेक्टर। तो ये गाइस काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग कैपिला लेना है। उसके साथ आप लोग एंड्रू लेना है, और एंड्रू का यूज तो गाइस आप लोगों को पता ही है आपका जो वेस्ट का ड्यूरेबिलिटी है वो गाइस इंक्रीज कर देगा, तो सामने वाला जो भी एनिमी होगा वो जल्दी से जल्दी आपका वेस्ट को तोड़ ही नहीं पाएगा, आपके ऊपर डैमेज कम आएगा। तो ये गाइस आप लोग को शॉर्ट रेंज फाइट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और लास्ट में गाइस आप लोग को जोटा लेना है, जब भी आप लोग किसी एनिमी के ऊपर फायर करोगे ना तो आप लोग को थोड़ा हेल्थ मिलेगा, और अगर आप लोग किसी एनिमी को नॉक कर देते तो गाइस आप लोग का जो हेल्थ है वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन शॉर्ट रेंज में एकदम बवाल साबित होने वाला है, आपको भी आपके टीममेट को भी जो भी जिस भी बंदे के साथ आपका कैसी होगा वो भी भाई काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज में यूज करना है। और हाँ गाइस जब भी आपका मतलब टीममेट का हेल्थ कम है ना फटाफट गाइस आप लोग कैपिला का यूज से गाइस आप लोग उसका मतलब टीममेट का भी हेल्थ भी इंक्रीज कर सकते हो। सेकंड नंबर जो कॉम्बिनेशन होने वाला है उसमें गाइस हम लोग को एक्टिव स्किल में राइडन लेना है। अब देखो ये राइडन ना काफी ज्यादा आप लोग को हेल्प करने वाला है अगर आप लोग इसका सही यूज करोगे तो। अगर आप लोग इसका सही यूज करोगे तो गाइस देखो जो मकड़ी ये छोड़ेगा वो गाइस अगर एनिमी को पर लगा तो गाइस आप लोग उस एनिमी को मारोगे ही मारोगे, क्योंकि उसका 80% जो भाई मूवमेंट स्पीड पर उसका गया वो भाई सीधा खड़ा रहेगा, और उसका 10 HP 5 seconds के लिए कटेगा, मतलब टोटल उसका 50 HP गया और वो भाई सीधा खड़ा होगा, आप लोग जाके उसको इजीली फायर करके मार दोगे। बट गाइस देखो दिक्कत की बात ये जब भी आप लोग राइडन का यूज करते हो ना अगर आप लोग मकड़ी को सही डायरेक्शन में नहीं फेंके तो भाई ये जाके भाई सीधा खड़ा हो जाता है, कहीं और ही चला जाता है। जब भी गाइस आप लोग स्किल को एक्टिवेट कर रहे हो ना ट्राई करना कि जिस जहां पर भी एनिमी हो उस डायरेक्शन में ही मतलब इस स्पाइडर को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर होगा 5 meters के अंदर अगर ये मतलब एनिमी अगर नहीं हुआ ना तो ये स्पाइडर सीधा चला जाएगा और एनिमी को ऊपर नहीं लगेगा। तो ये चीज का गाइस आप लोग ध्यान रखना। और इसके साथ गाइस आप लोग को लेना है केली, क्योंकि गाइस तो जब भी मतलब ये स्किल एक्टिवेट होगा जिस भी एनिमी के ऊपर स्पाइडर लगेगा ना आप लोग को जल्दी से जल्दी उसके सामने जाके उसको मारना पड़ेगा, इसके लिए गाइस आप लोग केली लेना है मूवमेंट स्पीड के लिए। फिर गाइस आप लोग को लेना है लूना। अब देखो लूना का हेल्प से ना आपका जो गन का रेट ऑफ फायर है वो गाइस 15% बढ़ जाएगा, भाई साहब 15% आपका जो गन का रेट ऑफ फायर है बढ़ जाएगा, जल्दी से जल्दी धमाधम करके आप लोग एनिमी को मार दोगे। उसके साथ गाइस आप लोग को लेना है हायातो, क्योंकि हायातो का यूज तो आपको पता ही है, देखो आपका जो गन का डैमेज है वो गाइस बढ़ जाएगा, तो गाइस शॉर्ट रेंज फाइट में भी ये आप लोग काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस काफी ज्यादा अच्छा है अगर आप लोग इसको सही से यूज करोगे तो। गाइस देखो जो भी राइडन लवर्स हो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करना। अभी गाइस देखो जो थर्ड नंबर मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है सीएस रैंक के लिए वो गाइस मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, बट उससे पहले गाइस देखो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, मुझे पता है भाई आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो आजकल, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी भाई जरूर से ऑन कर देना यार। सो गाइस देखो जो थर्ड नंबर कॉम्बिनेशन है उसमें गाइस आप लोगों को सबसे पहले एक्टिव स्किल में क्या लेना है थोड़ा सा गेस करो भाई, आप लोगों को लेना है तासुरा भाई। ये गाइस रेशर के लिए बना था बेस्ट एक्टिव स्किल है ये, भाई आपको पता ही है मेरे को अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, तासुरा कितना काम आता है ये गाइस आप लोगों को जल्दी से जल्दी एनिमी के सामने जाके उसको मारने में भी हेल्प करेगा, या फिर एनिमी अगर आपके सामने आ गया जल्दी से जल्दी आप लोग तासुरा का यूज करके उधर से भाग भी पाओगे, मतलब 2-in-1 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है काफी
ज्यादा यूज होता है। और इसके साथ गाइस देखो तीन जो पैसिव स्किल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो गाइस अगर आप लोग यूज करोगे इसके साथ, इस कैरेक्टर का जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो क्या कैरेक्टर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेना है फॉर्ड। फॉर्ड का यूज से गाइस देखो जब भी आप लोग एक्टिव स्किल का यूज करोगे ना तो अगर कोई एनिमी आपके ऊपर फायर किया तो गाइस आप लोगों को 10 HP मिलेगा 4 सेकंड के लिए, मतलब आप लोगों को 40 HP ऐसे ही मिल जाएगा। और तासुआ का यूज आप लोग कब करते हो, फाइटिंग करते हुए यूज करते हो ना, तो गाइस आप लोग मतलब एनिमी के ऊपर फायर करो, आप लोग एनिमी को डैमेज दे रहे हो बट एनिमी जब भी आप लोगों को डैमेज देगा आप लोगों को हेल्थ मिलेगा। मतलब समझ लो कितना ज्यादा ओपी होने वाला है अगर आप लोग तासुआ के साथ फॉर्ड का यूज करोगे तो। तो फॉर्ड आप लोग को रखना है। उसके साथ गाइस आप लोगों को रखना है जोटा, और जोटा का हेल्थ गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जब भी गाइस आप लोग एनिमी के ऊपर फायर करोगे आप लोगों को हेल्थ मिलेगा, और एनिमी को गाइस अगर आप लोग नॉकडाउन करोगे तो गाइस आप लोग 20% HP मिल जाएगा। मतलब देखो सब सिचुएशन में गाइस आपका एडवांटेज ही एडवांटेज है। एनिमी को फायर करोगे तब भी हेल्थ मिलेगा, एनिमी अगर आपको फायर किया तब भी गाइस आप लोग को हेल्थ मिलेगा। लास्ट में गाइस देखो रशर हो तो रशर में गाइस हम लोग लूना को कैसे भूल सकते हैं, हम लोग को लेना है लूना। और लूना भाई बता ही दिया 15% गन का रेट ऑफ फायर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये कैटा कॉम्बिनेशन में जब भी CS टैंक खेलता हूँ ज्यादातर ये कैटा कॉम्बिनेशन का यूज करता हूँ, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इस कॉम्बिनेशन को यूज करते करते मैं थोड़ा हैबिचुएट भी हो सकता हूँ, तो मेरे एकदम परफेक्ट सूट करता है मेरे लिए। आप भी गाइस जरूर से यूज कर सकते हो, बट हाँ आप लोगों को जो मैं तीन कैटा कॉम्बिनेशन बताया गाइस आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, क्योंकि हर एक बंदे का खेलने का जो स्टाइल है वो अलग अलग रहता है, तो देखना आप में कौन सा सूट करता है। बाय द वे गाइस देखो जो CS टैंक के टॉप 3 बेस्ट कैटा कॉम्बिनेशन थे मैंने गाइस आप लोगों को बता दिया। आई होप कि गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर ज्यादा ही आप लोगों को पसंद आया तो भाई पता ही आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा शेयर कर देना यार, वीडियो का रीच थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस देखो नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी गाइस आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। और हाँ गाइस देखो अगर आप लोगों को क्लैश स्क्वाड में रैंडम प्लेयर के साथ खेलने में रैंक पुशिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हो रहा है तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस CS टैंक अगर आप लोगों को और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।